वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्का बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम सेटअप करने वाले हैं एक और नया बेटा फिश टैंक। जो लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो लोग बोल रहे थे कि नहीं एक ही में डालेंगे शॉट होगा, जो मुझे भी लगा कि स्पेस थोड़ी कम पड़ेगी और इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक और उतना ही बड़ा टैंक लेके आ रहा हूँ और बेटा फिश का टैंक हम सेटअप कर रहे हैं। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। निकलने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाला टैंक दोबारा क्रैक हो गया था नीचे से, फिर इसको कल दोबारा ठीक करवाया है और फिर चेंज किया है। तो जितनी जो ग्रामी लाइट थी वो सब बढ़िया चल रही हैं, बाकी मूली लाया था वो नहीं टिकी इसमें, बाकी ये सब अभी बढ़िया चल रही है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं नंदिता एक्वेरियम से। हाय टू छोटू। हाय राघवन भाई। तो अभी आज मैं जैसा कि बता रहा था तो अभी बेटा फिश मैंने सेपरेट कराई थी, अब दिखा सकते हैं कौन सा आया। सो गाइज ये रेड कलर है, ये लिया था मैं आपको। मैं यस तो अभी इसका टैंक लेंगे, सैंड लेंगे और यहां से लेके चलते हैं। और ही हैव सम कलेक्शन ऑल्सो नाउ, तो जल्दी से हम वो कलेक्शन की भी मतलब कौन सी वेराइटी से देख लेते हैं और उनका और उनकी प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं। और बाय द वे मैं आपको दिखाता हूँ, जब चाहिए था तब वो शार्क थी नहीं, अभी वो बड़ी वाली शार्क्स भी आ चुकी हैं, लेकिन अब मेरे पास स्पेस नहीं है उसको भरने के। यस सो दीज आर द बिगेस्ट शार्क फिश नाउ। अब अगर उस दिन होती तो मैं शायद ये वाइट वाली ले लेता तो, लेकिन अभी नहीं है। तो चलिए अब ये सारा पूरा कलेक्शन है यहाँ पे, तो अब इसके हम लाइन से जल्दी से प्राइस पता करते हैं। So, हाँ जी भैया ये वाला कौन सा है और क्या प्राइस है इसका? ज़िब्रा कॉन्वेंट है। ज़िब्रा और अपना फायर माउथ। फायर माउथ इनका क्या प्राइस है इसका? उसको 300 है पैर। 300 पैर है। ओके दोनों का? हाँ दोनों का। अच्छा और ये हमारे एंजल फिश का नॉर्मल है, उसका 120, छोटा 90। छोटा 90 और बड़ा वाला 120। एल्बाइनो भी है ना इसमें? ओके एंड फिर ये गप्पीज का क्या प्राइस है? गप्पीज का के मेल फीमेल आता है 60 रुपीज है मेल फीमेल। और ये तो आई गेस कुछ फाइटर है, फीमेल फाइटर है या रेगुलर? मेल फाइटर है, मेल फाइटर है। जागा नहीं तो उसमें छोड़ो। अच्छा ओके सी एंजल है ये हमारा पूरा सी एंजल करेक्ट। सी एंजल का क्या प्राइस है? सी एंजल का आपको 300 पैर। ओके ये ग्रीन टेट्रा है। हाँ तो ग्रीन टेट्रा का क्या प्राइस है भाई? ग्रीन टेट्रा का 140 पैर। ओके इसके बाद नीचे हैं हमारे पास टाइगर बॉब्स, 30 रुपीज, 10 foil 50। और वो पीछे टेट्रा भी है शायद, वो भी 30 है। ओके नीचे हैं हमारे पास ये सिकलेट वैरायटी है, सिकलेट्स। हाँ तो ये सिकलेट्स कितने के हैं अभी? ये उसका बड़ा 380। अच्छा 250 साइज का ऊपर है। ओके वो जंबो पैरेट है ना? हाँ जंबो पैरेट। जंबो सेल के लिए किसी का है वो? नहीं नहीं सेल के लिए है। अच्छा 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 कितने का अगर किसी को लेना होगा तो ये? उसको तो अभी 800 है, सिंगल है। अच्छा ओके ये क्वाइट ह्यूज वन गाइस। एंड देन वी हैव हियर पाकोस। हां दो है, एल्बिनो पाको है, एल्बिनो है, रेड बेली है ना? हां वो थोड़ा कम में रेट है, पिराना नॉर्मल और 250 ब्लैक। ब्लैक 250 ओके। ये 300 है एल्बिनो, बट प्राइस काफी डिसेंट है गाइस। तो ये वाला एल्बिनो है और ये हमारा रेड बेली है। इसके बाद ये रे मोलीज, मोलीज का क्या प्राइस है? अभी 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़। अच्छा 400 रुपीज़। हाँ और इसमें गुरामी और ये ऑस्कर है ना? ये ऑस्कर है, छोटा ऑस्कर है, बहुत छोटी का 180 पैर वो गुरामी है 70 पैर। अच्छा ऑस्कर तो काफ़ी छोटा, छोटा वो तो 40 रुपीज़ है। ओके ये है फ्लोरॉन, इनका क्या प्राइस है? इसका 2000। अच्छा 2000। वो भी एक पैरेट है, वो भी पैरेट है। अच्छा थोड़ा बीमार है अभी। हाँ एंड देन वी हैव ये इम्पोर्टेंट सिकलेट्स हैं, इनका क्या प्राइस है? तो 150 पैर। 150 प्लेयर। ग्रीन टेरर भी है सेम है। अच्छा ग्रीन टेरर वो, ये तो मॉफ्स है ना वो? हाँ ये पूरा मॉफ वैरायटी है, सिकलेट वैरायटी है। ओके ओके वो ग्रीन टेरर है। अच्छा ओके और ये रहे हमारे पैरेट एंड ऑस्कर। 650 छोटा साइज इनका, छोटा राइट? मैं इतना ही लेके गया था शायद स्टार्टिंग में, अभी अच्छा बड़ा हो गया वो। ब्लैक गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है। इनका क्या प्राइस? 60 रुपीज़ पे। ओके 18 फॉइल बड़ा साइज है, 100 रुपीज़ है ये। 10 फॉइल 100 रुपीज़। और यहाँ पर बड़े प्यारे ये
रेड कैप और ओरेंडा काफ़ी पैर है। इनका क्या प्राइस है? 350 पैर। 350 पैर, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। हाँ काफ़ी अच्छा क्वालिटी, नहीं साइज बड़ा है वो, साइज बड़ा अभी तक कोई चार गोल्ड लेके चले गए। हाँ काफ़ी प्यारा साइज है। और ये छोटे वाले गोल्ड नॉर्मली वो 100 रुपीज़ पैर, 100 रुपीज़ 4 पेयर्स नॉर्मल गोल्ड। और ये बड़ा वाला शॉप का तो अभी कम ही रेट है, 300 रुपीज़ पैर। गाइस काफ़ी अच्छा खासा साइज है, आप देख सकते हैं। तो चलिए ये था पूरा हमारा इनका कलेक्शन। अब चलिए बेटा फिश दिखाता हूँ जो मैंने ली है। तो कौन सा वाला था? ये वाला, ये वाला गाइस, ये है अगर आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ द बेटा फिश, तो रेड वाली हमने ली है। और चलिए अब मैं टैंक लेता हूँ और उसके साथ एक वाइट सैंड का बोलेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। गाइस ये हो गई हमारी फिश, और इस बार मैंने ले लिया है ब्लैक सैंड क्योंकि वाइट ऑलरेडी था। एंड दिस इज़ दी एक्वेरियम। ये कितना कितने फुट का हो गई भैया? 1 फीट का ना, ये 1 फीट का छोटा सा टैंक टॉप 350 है। 350 टैंक का टॉप क्या 350। तो गाइस ये आ गया 1 फीट का हमारा टैंक, और धूप है काफ़ी ज़्यादा। और ये रही हमारे ब्लैक सैंड, इनको मैं भी धो लेता हूँ अच्छे से। और ये रही हमारी पैराफिश, सनलाइट में क्या ही कलर आ रहा है इसका, इतना बढ़िया। तो चलिए अब जल्दी से इस सैंड को धोता हूँ और फिर इसमें सेटल करते हैं। वाटर बैम्बूज लगाऊंगा फिर से, और फिर इसको एक्लीमेट छोड़ेंगे, उसके साथ फिर सबको खिलाएंगे खाना, फिर इसको हम रिलीज करेंगे। तो मैं ब्लैक सैंड धो के ला चुका हूँ, ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो चलिए अब इसको डालता हूँ, इसको अच्छे से धोया, अगर नहीं धोता तो पानी इतना काला हो जाता कि मछली दिखती भी नहीं इसमें। तो गाइस जो पिछली बार मैं वाटर बैम्बूज लाया था वो बचे हुए हैं, तो उनको अब इसमें दोबारा सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन इस बार ही चेंज ये है कि ये ब्लैक है। थोड़ा स्टिल अभी मर्की सा है, बिकॉज अपन इतना छोड़ा है तो थोड़ा टाइम के बाद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको एक्लीमेट होने के लिए डाल देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम खिलाते हैं अपने कोई कार्ब्स को। टर्टल को मैंने सुबह खिला दिया था, तो इसलिए अभी मैं उसको डालूंगा नहीं, और वो अंदर वो देखो वहाँ पे छुपा हुआ है, वहाँ पर बैठा हुआ है। इनको नहीं खिलाया था तो इनको अभी डाल दिया है मैंने, खा रहे हैं। बाय द वे अगर आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे वो देखो नीचे वाइट वाइट से अगर आपको दिख रहा है, वो हमारी जैन गुरानी है। इनफैक्ट जो अभी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो वो छुपी रहती है, अभी ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है। और बाकी ये मोटर जो नया लिया था काफ़ी सही चल रहा है। इनफैक्ट वो पीछे तो आप रोई दे सकते हो, मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि वो पानी बड़ा तेज निकल रहा था, बाहर गिरता था, तो इसलिए उसको अंदर करने के लिए। अब चलिए हम खिलाते हैं अपनी यूनिकॉर्न कुकी। तो ये रहा हमारा यूनिकॉर्न, और ये रही हमारी सारी फिशेस, और ये सब खा रहे हैं अच्छे से। और ये कॉर्न काफ़ी सही चल रहा है। ये रहे हमारे ऑस्कर्स, और इनको एक टाइम मैं देता हूँ पैलेट्स और एक टाइम मैं देता हूँ मील वॉर्म्स। तो ये देखिए जा रहे हैं। चलिए अब खिलाता हूँ अपने बेटा फिश को। ये रहा हमारा बेटा फिश टैंक, और ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। और बाय द वे तो दूसरा वाला मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो ये दोनों बगल बगल में रहेंगे, तो ये पूरा एक एक्वेरियम सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए मैं डालता हूँ बेटा को, ये क्या, और उसको पता लग गया खा रही है वो यहाँ पे। चलिए अब गप्पीस को खिलाते हैं। ये रही हमारी गप्पीस, इनको डालते हैं खाना।
मस्त होती है। कलर देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है, अब चलिए है गुरामी जिसकी बारी। गुरामी ये रहे हमारे सारे, ये रहे हमारे डॉर्फ गुरामी, पीछे है पल गुरामी और स्पॉटेड एंड एवरीथिंग। तो चलिए अब एक्लिमेशन हो गया है और टैंक को मैं यहाँ पहले सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ और फिर हम अपनी फिश को भी रिलीज़ करेंगे। तो चलिए इस टाइम्स टू रिलीज आर फिश नाउ। सो गाइज दिस इज़ नाउ माई सेकेंड बेटा टैंक जो अब थोड़ा सेट हो चुका है, ये देखिए। तो रेड कलर मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको लेके आ गया। और बाय द वे बीच में मैंने पार्टीशन लगा दिया है, एज इन कवर कर दिया ताकि एक दूसरे को देख के ये स्ट्रेस ना हो, बिकॉज नहीं तो फिर वो टेंशन बना रहता है, दोनों स्ट्रेस में रहेंगे। सो आई हैव पुट वन पेपर पार्टीशन हियर, ये देखिए काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और ये अपना नया घर एक्सप्लोर कर रही है। और पानी अभी थोड़ा सा मरकी है, विल बी ओके विथ सम टाइम, मैं थोड़ी देर बाद वो डाल दूंगा जब वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मस्त, अब ये हो गया है बेसिकली मेरा दो बेटर टैंक्स विथ बैम्बू सेटअप, ये जो आप देख सकते हैं। तो एक रही वो और एक बेटा रही यहाँ पे, ये रही दोनों बेटर्स और ये है बेसिकली पूरा हमारा एक्वेरियम सेक्शन। गाइज बेसिकली ये था एक वीडियो जिसमें हमने एक और बेटा फिश टैंक सेटल किया है, सेटअप किया है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बारी देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, टर्टल पॉन्ड, फिश पॉन्ड, एक्वेरियम्स, और आई विल बी स्टार्ट ट्रैवलिंग टू दी पेट सेंचुरीज एंड ऑल। तो अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन और स्विच टू द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आप अपना ख्याल ऐसे ही रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास जितने लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं तो करते रहिए। और बाय द वे मैं अभी एक दिन में कुछ एक अपना कम्युनिटी टैब में डालूंगा, प्लीज़ डू वोट कि शुड आई कीप माय ऑस्कर टैंक बेयर बॉटम और आई शुड पुट द सैंड। तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, तो आप उसमें जब वोट करके मुझे ज़रूर बताएँ। और ठीक है, जल्दी मिलेंगे, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।